तो स्टब ज्यादा सही। अगर हम इसको अगर ऐसे मोटा ऐसे हाँ, यहाँ जैसे हाँ, काटते हैं ना जी, तो ज्यादा अच्छा मैं काट रही हूं। हाँ पौधा वीक है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है। स्ट्रेस में इसलिए कि इसमें ज्यादा फेदर है, प्रेशर ज्यादा है। अब आप देखेंगे अपनी ये वाली देखो कितना कंपटीशन है। आ जाने की। और एक चीज है जी, अब आपको एक चीज और भी देखनी पड़ेगी यहाँ ना, हम कौन सी टहनी हटा सकते प्रेशर कम करने की, ब्रांचेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी हमारे को ना जी। ये भी कंपटीशन जाएगा, ये तब भागेगा जब हम इसको खाली करेंगे जी, थोड़ा सा स्पेस में जो हमने छोटा सा बढ़ाना है उसको हमने जो सोचना पड़ेगा अब जाके ये दौड़ेगा। एक स्थिति आपकी ऐसी भी आएगी, अब ये लगा आपको कि क्यों रुका ये तो अब हमारे को हमारा काम है कि इसको लीडर को इम्प्रूव करना। तो लीडर हम देखेंगे कि जी हमारे सबसे बेस्ट लीडर्स कौन सा चला, हमारे पास शायद ये भी बन सकता है, ये भी मुझे लग रहा है ये थोड़ा स्लाइड लिया था, ये बिल्कुल इसको लीडर बनाएंगे। मदद नीचे का थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे, और इसमें अभी भी ब्रांचेस थोड़ी ज्यादा है, और एक चीज और रखना कि जिसमें आप ग्रोथ लेना चाहते हैं उसमें थोड़ा बीमो का बर्डन कम कर सकते हैं आप थोड़ा सा ना जी। हमने फ्रूटिंग की ओर नहीं जाना है, जैसे अभी इसको चाहिए हाँ, तो ग्रोथ ये तभी ग्रो करेगा जी ज्यादा ना जी। अब ये बेंड होके यहाँ भी आएंगे, यहाँ ले ले क्योंकि ये ट्रिपल वन है नहीं, यूज है ये कंट्रोल करना नहीं, तो हमारे को इसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ हम सबसे अच्छा टाइम बेंडिंग का ना जी, आफ्टर हार्वेस्टिंग अभी क्या होगा जी, अगर आप अभी करेंगे ना यहाँ से वाटर शूटिंग ज्यादा होगा, अगर आप उसके वक्त करते हैं जी सीजन के बाद तो बड़ा अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबल भी रहती है। चलो फ्लेक्सिबल तो अभी अब यहाँ देखने लगी थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि ये भाग रहा है, जो आपको भागता हुआ लगे और जहां अगर ऊपर जाननी है ना तो आपने उसको ये तो द्वारा से आ जाएगी साथ, इसकी कोई इशू नहीं है, ये सारी आ जाएगी। मगर जैसे कोई छोटी ब्रांच है उसको हम जरूर थोड़ा सा बेबी कट करेंगे, बेबी क्लिक, ताकि ये ग्रोइंग में जाए। और एक चीज करना है जी नेगी जी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जो हमारा नीचे का क्लस्टर है ना ये वाला, ये बड़ा और ऊपर का थोड़ा छोटा ऐसे है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये भी घर भाग रहा है, ये देख रहा हूँ जैसे ये फील्ड है इतनी दूर फील्ड है, कैनोपी एक्चुअली सनलाइट तो क्योंकि अभी कम है ना, अभी बहुत फैलेगा हाँ, जब तक जब बड़ा होगा तब जाके कैनोपी में ज्यादा, तभी हमने इधर थोड़ा ज्यादा स्पेस रखा है, यहाँ भी हमने एक अच्छा स्पेस दिया, अच्छा स्पेस दिया, मगर हम ये नहीं चाहेंगे कि मिल जाए, हमने ये स्ट्रॉन्ग नहीं करनी कभी क्योंकि ये तो भागेगी जी। 111 पे बहुत बड़ा प्लांट होता है और ऊपर से वैरायटी बड़ी सिलेक्शन है ना जी, रेड विलर ये तो भागेगा हाँ, ये नॉन स्पर में आ गया ना, जेरोमाइन रेड ब्लॉक किंग रॉट ये तो भागेगा, अगर स्कारलेट होता ना जी इन फ्रूटिंग में थोड़े थोड़े, अब क्योंकि सेकेंड ईयर में है अब हमारे को फ्रूट भी लेने पड़ेंगे। बीमा सिर्फ आपने उससे काटना है जो
वीक है थोड़ा प्लांट, जो स्ट्रांग है ना ये तो स्ट्रांग है प्लांट है, ये सारे फ्रूटिंग प्लांट, ये सब फ्रूटिंग है, जिंदा भी फ्रूट्स हो बीमे नहीं काटने, अब तो फ्रूटिंग लेनी है ना तभी कंट्रोल होगा पौधा, अगर आप बीमा काट देंगे ना तो फिर और भागेगा जो कमजोर वाला उसमें भी। हाँ जैसे ये दो थे थोड़े वीक ना बस इसमें टाइम ये ज्यादा ये जैसे ठीक है और ये इसमें मगर जी थोड़ा सा ना जी जब गाला की आप करेंगे गाला में थोड़ा सा अलग करनी पड़ेगी ये टाइम से ना जी बैंड नहीं हुआ बैंड ये वीक है अभी ये यहाँ आ जाएगा ना ये वीक है ये सब वीक है और पौधे की ले लो कुछ नहीं क्योंकि अब कहाँ करेंगे हम बैंड ये तो पहुँच गए ना पूरी हमने सिर्फ इसको भरना है ये दे दिया उन्होंने सारे भी मैंने लुए नहीं जो मैन स्टॉप इसमें सबसे अच्छा क्वालिटी फूल गाला का पेट ना चलो नीचे नीचे